जिस ऋषभ पंत को कभी टीम इंडिया का धोनी कहा जाता था, जो ऋषभ पंत टेस्ट और वनडे में अपनी दमदार पारियों के दम पर टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर चुके थे, जिस ऋषभ पंत को टीम इंडिया का अगला कप्तान माना जाने लगा, अब वही ऋषभ पंत पिछले कुछ समय से टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप में उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए गए, लेकिन जितने भी मौके उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में मिले उनमें वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब उन्हें 2024 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए या नहीं, इसे लेकर पूर्व ओपनर रॉबिन उथप्पा ने एक सुझाव दिया। एक स्पोर्ट्स चैनल से बात करते हुए रॉबिन उथप्पा ने कहा, देखिए जो अगला टी20 विश्व कप होने जा रहा है, इसे वेस्टइंडीज और यूएसए में 2024 में कराया जाएगा। अगर जो हम वहां की परिस्थितियों पर ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को टॉप 3 में बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको या तो पारी की शुरुआत करनी चाहिए या फिर नंबर 3 पर आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ऋषभ पंत के आईपीएल में प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा, अगर जो आप उनके आईपीएल के रिकॉर्ड पर ध्यान देंगे तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। जब कभी भी वो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने उतरे हैं, जब वो पारी की शुरुआत करते हैं या फिर नंबर 3 पर आते हैं, तो यही वो जगह है जहां उन्होंने अपना सबसे अच्छा क्रिकेट खेला है। अगर जो एक खिलाड़ी सफल रहा है और मैच विनर है आपके लिए टेस्ट और वनडे में, तो उस जगह पर ही उनको यकीनन खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। आपको उनके टैलेंट और काबिलियत को उभारना होगा, उस जगह पर आकर मैच विनर बनने का मौका उनको देना चाहिए। ऋषभ पंत ने 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। उन्होंने अभी तक 31 टेस्ट, 27 वनडे और 64 टी20 मुकाबले खेले हैं। पंत ने टेस्ट में 2123, एक दिवसीय क्रिकेट में 840, जबकि टी20 में 970 रन बनाए। अभी तक के करियर में ऋषभ पंत की कई यादगार पारियां भी शामिल हैं।